हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो हमारा स्टैंडर्ड भरने सिस्टम होता है वहाँ पर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं, और जो हिंट क्वेश्चन होता है अगर हम अपने पासवर्ड को फॉरगेट पासवर्ड में जाकर रीसेट करें तो हमारे पास जो हमने जो हिंट क्वेश्चन एंटर किया था तो हमें हिंट क्वेश्चन पता होना चाहिए, हमने क्या सेलेक्ट किया था और उसका आंसर भी पता होना चाहिए। बट गाइस, कुछ स्टूडेंट्स अपना जो हिंट का क्वेश्चन है उसे भी भूल गए हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम अपना जो पासवर्ड है उसे रिकवर करेंगे। तो देखते हैं हम गाइस अपने पासवर्ड को कैसे हम रिकवर करें। तो गाइस, यहाँ पर हमारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसका जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उस पेज पर हमें पहुँच जाना है। तो गाइस, मेरे पास जो स्टूडेंट्स है उसका जो यूनिवर्सिटी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, तो हम यहाँ पर बरकतुल्ला की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। तो गाइस, हमने व्यू भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं, और गाइस हम सीधे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से हम ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करते हैं गाइस, तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन होगा। यहाँ पर हम जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का रजिस्ट्रेशन वाला पेज है गाइस, ध्यान रखना आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज या पे एंड पेड वाला जो लिंक है उसे सेलेक्ट नहीं करना, आपको सीधे उस लिंक पर जाना है जहाँ से हम अपना नया जो आईडी क्रिएट करते हैं उस लिंक को आपको यहाँ पर ओपन कर देना। और गाइस, हमारा जो भी रोल नंबर है, हमारा जो भी गाइस इनरोलमेंट नंबर है उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर हमें इंटर कर देना। तो चलिए गाइस, हम अपना इनरोलमेंट नंबर इंटर करते हैं, और यहाँ पर गाइस हमें अपना डेट ऑफ बर्थ है उसे इंटर कर देना है। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ को इंटर करते हैं, और गाइस यहाँ पर हमें जो कैप्चा है उस कैप्चा को इंटर कर देना है। तो चलिए गाइस, हम अपना कैप्चा को इंटर करते हैं और सिंपली हमें यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर हमें 2-3 बार सर्च पर बार बार इंटर करना है और हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस, हम देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर हम इसका दोबारा से प्रिंट ले लें गाइस, तो हम इसका प्रिंट लेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस हमने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया था उसका जो हिंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इस जो हिंट क्वेश्चन है इसे हम इंटर करके अपना पासवर्ड अगर हम भूल गए हैं तो हम जो अपना पासवर्ड है उसे रिकवर कर दे। गाइस, देख लेते हैं हम अपना पासवर्ड को कैसे अब रिकवर करें, हमें हिंट क्वेश्चन तो यहाँ से मिल ही गया है। तो गाइस, हम जाते हैं ऑनलाइन सर्विसेज़ पर, आपको जो भी यूनिवर्सिटी से आप उसका लॉगिन पेज पर सीधे पहुँच जाएँ, और यहाँ पर हम गाइस थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फॉरगेट पासवर्ड स्टूडेंट्स, इस पर हमें क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पर हम इंटर करते हैं और यहाँ पर हम अपना जो इनरोलमेंट नंबर है उसे इंटर कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना इनरोलमेंट नंबर को इंटर करते हैं गाइस। यहाँ पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, तो जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसे हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद गाइस, जो हमने पेज ओपन किया था वहाँ से हमें हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना जो भी है, और यहाँ पर हमें हिंट आंसर वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो हम अपना जो आंसर है उसे यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। और गाइस, यहाँ पर हमें जो कैप्चा है उस कैप्चा को इंटर कर देना। तो चलिए गाइस, हम अब कैप्चा इंटर कर देते हैं और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से हमारा जो पासवर्ड है वो रिसेट नहीं हो पा रहा है। आप इसे 1-2 बार करके देखें फ्रेंड्स, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या आपका ईमेल आईडी है उस पर आपका पासवर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगता है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।